हेलो बच्चों, आई एम वंदा मिश्रा। आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th। संवदध्वम, साथ साथ बोलें, साथ ही साथ में बोलें, ऐसा इस चैप्टर का नाम है। वेदास आर प्री एमिनेंट सोर्स ऑफ द इंडियन नॉलेज एंड द रिलीजन ट्रेडिशन। फोर वेदास नोज एज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्वेद आर इन द पोएट्री फॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चार वेद होते हैं। वेद जो है, वेद से हमें धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और चार वेद होते हैं, वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। और ये चारों वेद जो है काव्य के रूप में पाए जाते हैं। जो इसमें श्लोक हैं, वेद में जो श्लोक पाए जाते हैं उसको हम मंत्र के नाम से जानते हैं। यह मंत्र जो है मनुष्य में बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इस मंत्र के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत ही उपयोगी चीज़ें ला सकते हैं। तो ये अपने चैप्टर में सबसे पहला मंत्र ऋग्वेद से है, जिसमें हमें सीख मिलती है कि हमें साथ साथ चलना चाहिए। जो भी हम काम करें हम साथ में करें। दूसरा मंत्र जो है वो हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने के लिए बताया गया है। और तीसरा मंत्र अथर्ववेद से है। और दूसरा मंत्र अभी जैसा कि बताया, बुराइयों को दूर करने के लिए पहला मंत्र ऋग्वेद, दूसरा मंत्र यजुर्वेद और तीसरा मंत्र जो है इस अथर्ववेद, और चौथा मंत्र अथर्ववेद और पांचवा मंत्र अथर्ववेद। तीसरे वेद में हमें आज्ञाकारी होने के लिए कहा गया है, हमें अनुकरण करना चाहिए अपने माँ बाप का। और चौथा मंत्र पूरी दुनिया को, संसार का, सभी को सुखी रहने के लिए सोचना चाहिए। और पांचवा मंत्र ऐसा है जिसमें हमें कोई भी काम समय रहते हुए समय से कर लेना। चलिए श्लोक का पहले गान करते हैं और उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे। पहला श्लोक ऋग्वेद से जो लिया गया है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां। देवाभागं यथा पूर्वे समजानानामुपाशते। दूसरा मंत्र। विश्वानि देवश वितर्दुरतानि परासुव यदभद्रं तन्नयासुव। तीसरा मंत्र। अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। जाया पत्ते मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवाम्। अथर्वेद से लिया गया है। चौथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुग्भाग भवेत्। पांचवा मंत्र। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य सालिनी, देशो अयम क्षोभरहितो मानवाः सन्तु निर्भया। चलिए सबसे पहले फर्स्ट श्लोक का अर्थ समझते हैं। समगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानतां। देवाभागं यथा पूर्वे समजानानाम् उपाशते। पहला कहा गया समगच्छध्वं, साथ साथ चलें। संवदध्वं, साथ साथ बोलें। समो मनांसि जानतां, जो भी हमें कुछ काम करना है तो सबसे पहले सबके मन की बात जान लें, उसके बाद साथ साथ सोच के ही काम करें। देवाभागम यथा पूर्वे, यथा मीन्स जिस प्रकार पूर्वे यानी पहले के ज़माने में। देवाभागम देवता लोग अपना अपना भाग, अपना अपना हिस्सा ग्रहण करने के लिए समझाना न उपासते। कोई भी यज्ञ, कोई भी कर्म जब वो करते थे साथ साथ ही करते थे। भले वो अपना अपना भाग पाने के लिए करते थे लेकिन साथ साथ ही कर्म करते थे, यज्ञ हवन करते। उसी प्रकार जिस प्रकार पहले के ज़माना में देवता लोग कोई भी अपने भाग को, अपने पूर्ण प्रताप को, अपने कोई भी अच्छे कर्म को ग्रहण करने के लिए साथ साथ हवन यज्ञ करते थे, उसी प्रकार हमें भी समगच्छध्वं साथ साथ चलना चाहिए, समवदध्वं साथ साथ बोलना चाहिए, समो मनांसि जानतां साथ साथ सोचना चाहिए। दूसरा श्लोक है। विश्वानि देवश वितर दूरतानि पराशुव
यद भद्रम तन्नयाशु यजुर्वेद से लिया गया विश्वानि देव, हे विश्व के देवता सवित यानी सूर्य भगवान, हे विश्व के देवता पूरे संसार के देवता सूर्य भगवान, दुर्तान ये परासु हमारे अंदर दुर्तान यानी जो बुराइयां हैं, पर आसु पर मीन्स उसको आसु मीन्स हटा दो, हे विश्व के देवता हे पूरे संसार के देवता सूर्य भगवान हमारी बुराइयों को आप दूर कर दीजिए। यद भद्रम, यद मीन्स जैसा, भद्र यानी हे प्रभु जैसा आपको अच्छा लगे, तन्न आसु वैसा आप करिए, यानी हे संसार के देवता सूर्य भगवान हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करिए और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप करिए, क्योंकि आप जानते हैं भगवान और माँ कभी भी बुरा नहीं चाहेगी, उसी प्रकार जब भगवान तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए जो है शिष्य है वह अपने भगवान से बोल दे रहा है कि जैसा आप चाहो ऐसा करो, क्योंकि भगवान कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। थर्ड श्लोक, अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। अनुव्रत यानी आज्ञाकारी, पितु यानी पिता, पुत्र यानी पुत्र को, मात्रा मीन्स माता, भवत मीन्स होना चाहिए, सम्मना यानी सम्मान करने वाला, पुत्र को कैसा होना चाहिए, पिता का आज्ञाकारी, पुत्र को पिता का आज्ञाकारी और माता का सम्मान करने वाला होना चाहिए। पुत्र कैसा होना चाहिए, पिता का आज्ञाकारी हो और माता का सम्मान करने वाला हो। जाया पत्ते, जाया मीन्स पत्नी, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्ते पति के प्रति पत्नी का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जाया पत्ते मधुमतीम, जाया यानी पत्नी, पत्ते यानी पति से मधुमती यानी मीठी वाचम मीन्स वाक्य, वदतु यानी बोले शांतिवाम और शांतिपूर्वक, पत्नी जो अपने पति से मीठी वाणी मीठी और शांतिपूर्वक बात बोले। पुत्र को पिता का आज्ञाकारी और माता का सम्मान करना चाहिए और पत्नी को अपने पति के प्रति मीठी और शांतिपूर्वक बोली जो है बोलनी चाहिए। फोर्थ श्लोक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये श्लोक जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है कि हमें अपने कल्याण के बारे में केवल नहीं सोचना चाहिए कि बस अपना भला भला जगमा ही, ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी होवें, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे यानी सभी, सन्तु यानी होवें, निरामया निरोगी, सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग निरोगी होवें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे यानी सभी, भद्राणि पश्यन्तु, एक दूसरे को भद्राणि यानी भाईचारे की दृष्टि देखें, कभी एक दूसरे को भाई के समान देखें, दुश्मन ना समझें। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा मीन्स कभी भी, कश्चित् यानी कोई भी, दुःख भाग् भवेत्, दुःख का भागी ना होवे। सभी लोग सुखी होवें, सभी लोग निरोगी होवें, सभी लोग एक दूसरे को भाईचारे के दृष्टि देखें, कोई भी किसी प्रकार के दुख का भागी ना होवे। पांचवा श्लोक, काले वर्षतु परजन्य पृथ्वी सस्य शालिनी, देशो अयम क्षोभ रहितो, मानवाः सन्तु निर्भया। काले मीन्स समय पर, वर्षतु यानी वर्षा, परजन्य यानी बादल, पृथ्वी सस्य शालिनी, अगर जो है समय पर बारिश हो जाए, अगर समय पर वर्षा हो जाए तो पृथ्वी जो है सस्य शालिनी, हरी भरे फसल से जो है ललहा उठती है, उसी प्रकार देशो अयम क्षोभ रहित है, मानवा संतु निर्भया, मनुष्य अगर निर्भय होकर रहे तो यह देश जो है क्षोभ यानी दुखों से रहित हो जाएगा, दुख जो है इस देश में रहेगा ही नहीं अगर सभी मनुष्य निर्भय होकर रहेंगे। जिस प्रकार समय से बारिश होने से पृथ्वी सस्यालनी हो सकती है यानी हरे भरे फसल से लहलहा सकती, उसी प्रकार मनुष्य अगर निर्भय पूर्वक रहे तो यह देश भी कष्ट से दूर हो जाएगा। जैसा कि ये ग्लोसरी दिया गया, इसको तो आप लोग पढ़ ही लोगे, तो चलो अब हम लोग यहाँ ग्लोसरी, उसके बाद नोट्स है, उसके बाद चलिए हम आप लोग अब एक्सरसाइज करते हैं। अधो लिखतेभ्य विकलेभ्य समुचितम उत्तरम चिन्हित, अभी आपको MCQ के द्वारा आंसर देना है। पूर्वी के समझनानाम भागम उपासते, पहले के ज़माने में कौन जो है
पूजा करता था अपना अपना भाग लेने के लिए। मनुष्याः असुराः देवाः सर्वे अभी पढ़ाया गया है, सर्वे अभी आपको चैप्टर पढ़ाया गया है पहले चैप्टर में। संबदध्वम सम गच्छध्वम संबदध्वम सम मनांसि जानतम देवा भागे यथा पूर्वे, तो इसमें क्या आ जाएगा ग नंबर देवा। कवि किम याचते, कवि जो है क्या मांग रहा है। भद्रम दुरितम सुखम या धनम, क्या मांग रहा है। कवि किम याचते, कवि को क्या चाहिए। भद्रम भाईचारे की, भाईचारा ही चाहिए उसको और कुछ नहीं चाहिए, भाईचारा भद्रम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, जाया कृदसी वाचम वदत, पत्नी को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। ललिताम शांतिवाम ज्ञानताम शोभना, अभी पढ़ाया गया है जाया पत्ते मधमतिम वाचम शांतिवाम, तो यहाँ इसका आंसर हो गया शांतिवाम। 4 नंबर, सर्वे कृदसा भवंतु, सभी लोग कैसे होवें। सर्वे भवंतु सुखिन, ग नंबर सुखिन। पर्जन्य कदा वर्षतु, जो है रेन कब बरसती है, बारिश कब आती है। है आने वाला कल, आज स्वय मीन्स बीता हुआ कल, काले यानी समय पर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा काले। हे देव दुर्तानि परासु, हे देव कौन से देवताओं को बुलाया प्रार्थना की गई है। अग्नि देवता, वरुण देवता, शवितर यानी सूर्य देवता, वायु यानी वायु देवता, तो आपको आंसर मिल गया शवितर। पुत्र अनुव्रत भवत, पुत्र किसका आज्ञाकारी होना चाहिए। पितु का, पिता का। निरामया भंतु, कौन निरोगी होवे। सर्वे सभी लोग। सर्वे पश्यंतु, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, पृथ्वी भवतु सस्यशालिनी। अब आपका क्वेश्चन आंसर है जो आपको लिखित भाषा में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।